वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं लाई हूँ ये वेरी इजी DIY नाइट क्रीम जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे ये बनाना है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। एक तो ये बेबी ऑयल है, जॉनसन बेबी ऑयल, फिर आप देख रहे होंगे गुलाब जल रखा हुआ है और एलोवेरा जल रखा है। तो बस ये तीन चीज़ें चाहिए। और एक चम्मच आपको बेबी ऑयल, जॉनसन बेबी ऑयल लेना है, और एक चम्मच गुलाब जल रोज़ वाटर लेना है, कोई भी ब्रांड का चलेगा रोज़ वाटर। और तो जो क्वांटिटी है तीनों की सेम है, और एक चम्मच ही भर के आपको एलोवेरा जेल लेना है। तो कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। अब तीनों को लेने के बाद अब इसको मिक्स करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा अलग वाटरी कंसिस्टेंसी है, फिर इसको क्या है कि बहुत देर, थोड़ी देर तक घुमाना है, तो 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूस उसे चलाते रहना है, तभी क्रीम जैसा फॉर्म होने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये क्रीम जैसा बनने लगा है। तो इसको कंटिन्यूसली आई थिंक 2 से 3 मिनट तो कुछ चलाते रहना है, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको क्रीम फॉर्म होने में, और फिर ये धीरे धीरे आपका एक नॉर्मल क्रीम की तरह बन जाएगा। तो इसको तब तक चलाते रहना जब तक उसकी जो ऐसी कंसिस्टेंसी है ऐसी क्रीम जैसी ना हो जाए, तब तक आप इसे चलाते रहिए और ये क्रीम जैसा बन जाएगा। तो ये वेरी इजी अब DIY नाइट क्रीम है जो आप रात में लगा सकते हैं, और इससे काफ़ी जो स्किन में काफ़ी अच्छा ग्लो आता है, तो आप इसे रात में यूज़ कर सकते हैं, रात में लगा के सो जाइए। तो ये जो क्रीम है कुछ ऐसी है, और जब आप इसको, मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी स्किन पे जब लगाएंगे तो कैसी दिखेगी। तो अब इसको थोड़ा सा हाथ पे अप्लाई करके देखते हैं, और स्किन पे मैं लगा रही हूँ। तो स्किन पे लगाने पे इस पे काफी अच्छा जो है बहुत अच्छा ग्लो आने लगता है स्किन पे और चमक आने लगती है। तो आप ये क्रीम वेरी इजीली बना सकते हैं, और इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करना है। आप इसको हफ्ते भर तक बस स्टोर कर सकते हैं, या फिर आप ये रोज तुरंत बना के लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, और हफ्ते अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो और फिर नेक्स्ट हफ्ते नया फ्रेश बना के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं फेस पे भी इसे ट्राई करके दिखाती हूँ, तो फेस पे भी बहुत स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी समर्स हैं, तो समर्स में आपको जब ये लगाएंगे तो क्या होता है, कुछ देर तक तो आपको थोड़ा सा ऐसे ऑयली या चिपचिपा फील होगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया है। तो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो काफ़ी डिफरेंस आपको फील होगा, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लोई और चमकदार हो जाएगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं, और कैसा आप खुद बना के देखिए और आप बताइए कि कैसा लगा आपको, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।